एक ऐसा इंसान या फिर देखा जाए तो हम सारे मनुष्यों की कहानी है जो मिलकर समाज बनाते हैं कि हमारा कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म कैसे होता है गुड से बैड और बैड से गुड की तरफ। तो मतलब ये जो चरित्र जो फिल्म है इसमें कितने कैरेक्टर होंगे और हीरोइन क्या रहेंगे, क्या कहानी है इसमें? कोई लीड एक्टर नहीं है, मिनिमम 6 या 7 कैरेक्टर्स हैं जिनके अराउंड ये कहानी चल रही है और जो इसकी शूट है वो फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक से शुरू करेंगे। तो सर आप बताइए कि आपको पहली भी एक फिल्म बनाया जिसमें आपको एक अवार्ड भी मिला हुआ है, तो क्या इस तरह का ये भी फिल्म जो चरित्र है ये भी इस तरह का फिल्म होगी कि इसका कोई दूसरा तरीका है कि कमर्शियल बनाओगे कि अवार्ड के लिए बनाओगे? नहीं, ये भी फिल्म चूँकि हम लोग अवार्ड को देखकर ही बनाएंगे कि ये भी काफ़ी सारे अवार्ड्स लें, जैसे पहली फिल्म ने हमारी काफ़ी सारे अवार्ड्स एंड अप्रिशिएशन से होते हुए यहाँ तक पहुँची, तो इस फिल्म को भी लेकर के हम लोग उन चीज़ों को मेंटली तैयार हैं कि इसे भी बनाने के बाद हम लोग आगे जहाँ कहीं भी अवार्ड्स के लिए हैं वहाँ इनको भी लेंगे। तो सर आपका पूरा परिचय बताइए, आप क्या कैसे ये एक कहाँ से आए और ये फिल्म प्रोड्यूसर तक कैसे पहुँची आपका जर्नी क्या? चूँकि हमारी पहली फिल्म जो है वो हमारे ही बिहार के एक औरंगाबाद जिला है, वहाँ पे एक घटना घटी थी जिसमें एक ही रात में 450 परिवार को मार दिया गया था नक्सलाइट के द्वारा। ये पूरी की पूरी फिल्म ट्रू ऑन बेस्ड स्टोरी है, तो वो फिल्म की स्टोरी जब मेरे पास आई तो मुझे लगा कि इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है बनाने के लिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं अपने लोगों से जुड़ी हुई चीज़ है और इतनी बड़े लेवल पे नरसंहार हुआ था। मैंने बोला क्यों नहीं, जिन लोगों को नहीं पता है इसके बारे में तो इस फिल्म को पर्दे तक लेकर के आऊँ और सभी लोगों को इसके बारे में पता चले कि हाँ ये चीज़ था क्या। तो इस फिल्म को मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई एंड अभी की मैं अगर बात करूं तो चूंकि इंडस्ट्री में एज अ सोलो डायरेक्टर डेब्यू ये कर रहे हैं दीप प्रकाश जी, इनकी फिल्म चरित्र मुझे काफ़ी अच्छी लगी, स्टोरी मुझे लगा कि नहीं लीक से हट करके इन्होंने एक स्टोरी लिखी, इस पर भी एक अच्छा वर्कआउट किया जा सकता है, अच्छा काम किया जा सकता है एंड काफ़ी सारे उम्मीदों के साथ हम लोग इसको लेकर के शुरू कर रहे हैं। नहीं है, जैसा कि अभी आपको इन्होंने बताया कि ये रियल बेस्ड स्टोरी नहीं है बट ये ट्रांसफॉर्मिंग के ऊपर पूरी की पूरी है कि हम अपने ही जीवन में मतलब कम टाइम में कैसे खुद को बदलते हैं कैरेक्टर वाइज, अच्छे लोगों के साथ अच्छे बन जाते हैं, बुरे लोगों के साथ बुरे बन जाते हैं, जैसा माहौल मिलता है वैसा ढल जाते हैं, ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मिंग के ऊपर बनाई गई पूरी की पूरी फिल्म है। स्टार कास्ट मायने जरूर रखते हैं फिल्म के लिए लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मायने फिल्म की स्टोरी रखती है, तो स्टोरी बहुत अच्छी लगी मुझे, हम लोग स्टोरी पर फोकस करके काम कर रहे हैं। आज नहीं, आप देख रहे होंगे आजकल कई बिग स्टार्स की जो मूवीज आती है वो फ्लॉप हो जाती हैं, तो आजकल जो दर्शक है वो सिर्फ मतलब हीरो या हीरोइन को देखना नहीं पसंद करते, वो स्टोरी देखना पसंद करते हैं, तो वो मसाला मूवी टाइप्स लोग बहुत देख चुके हैं, तो अब वो चाहते हैं कि कुछ हमें देखने को मिले जो डिफरेंट हो, जिसे देख के हमें लगे कि हाँ हम जिस हमने जो 2 घंटे अपने 2.5 घंटे या 3 घंटे जो हमने दिए हैं वो हमने सही जगह वेस्ट मतलब वो सही जगह इन्वेस्ट किया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी भूमिका क्या होगी? मैं इसमें एज अ प्रोड्यूसर काम कर रही हूँ और चूंकि अभी कैरेक्टर्स फाइनल नहीं है तो शूट करेंगे, कुछ आउट ऑफ इंडिया शूट करेंगे, तो वो चीज़ है। आपका जर्नी बताइए।
बिहार से हूँ और वहाँ पे चूँकि मेरा जो रुझान रहा है वो मीडिया लाइन में हमेशा से रहा है और जब मैंने 11th जब मैं इंटर में थी तब से ही मैं एज अ लोकल न्यूज़ चैनल में मैंने एंकरिंग स्टार्ट कर दी थी तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एजुकेशन के साथ साथ मैंने चैनल्स में एज अ एक्टर भी काम किया तो करते करते मैं उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था ईटीवी में तो ईटीवी बिहार झारखंड में एज एन एंकर मैंने काम किया। उसके बाद मैंने दूरदर्शन ज्वाइन किया वहाँ मैंने एज एंकर काम किया और वहाँ रहते ही मुझे एक दूरदर्शन में एक सीरियल करने का मौका मिला वहाँ मैंने काम किया तो कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज की तो फिर फाइनल मैच भी किया तो फाइनल मैच में ही मेरी ओम जी से मुलाकात हुई और वहीं पर एक अच्छा रिश्ता बन गया हमारा तो हमने उसी तहत हमने सोचा कि चले कुछ एक एक मूवी बनाते हैं साथ में और फिर काम करते हैं। टीवी से बहुत अच्छा रिश्ता रहा है आपका नाता रहा बिल्कुल बिल्कुल प्लानिंग नहीं था मैं लाइफ में आप बोलिए कि मैं कुछ प्लान करके चलती हूँ ऐसा नहीं है क्योंकि 90% प्लानिंग करती हूँ वो मेरी बस ऐसे ही हो जाती है तो एक बाय गॉड ब्लेस आप बोलिए कि मैं बस चल रही हूँ एक जिस और मतलब हवा का झोंका मुझे ले जा रहा है मैं सो चली जा रही हूँ बस कहते हैं ना वो कहते हैं ना गीता में लिखा है कर्म कर फल की चिंता मत कर तो वही चीज़ें हैं कर्म कर रही हूँ और जिस और भगवान लेके जा रहे हैं बस चली जा रही हूँ।